आज की कहानी है आदमी एक और खूबियां तीन। एक समय की बात है कि अकबर और बीरबल अपने शाही बाग में टहल रहे थे। तभी अचानक अकबर ने बीरबल से पूछ लिया कि बीरबल, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को हमारे सामने पेश कर सकते हो, अलग अलग खूबी हो। अब बीरबल ने कहा, क्यों नहीं हुजूर, मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ जो तोते की तरह भी बोलता है और शेर की तरह भी बोलता है और वक्त आने पर वह गधे की भी बोली बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर काफी हैरत में पड़ गए और उन्होंने बीरबल को कहा कि बीरबल, उस आदमी को कल दरबार में पेश किया जाए। अब बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले आए और उसे एक छोटी सी बोतल शराब पिला दी। अब वह हल्के नशे में झूम रहा था। वह शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा हो गया और वह जानता था कि वह दारू पी कर आया है और वह ये भी जानता था कि बादशाह अकबर उसे सजा भी दे सकते हैं। इसलिए वह हल्के नशे में गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह अकबर की खुशामद भी करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के डर से व्यक्ति बोल रहा है वह तोते की भाषा बोल रहा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं पर उस आदमी को एक बोतल और शराब पिला दी, क्योंकि वह आदमी पहले से शराबी था। अब वो आदमी पूरी तरह नशे में झूम रहा था। अब वह अकबर के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ, मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ, चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें। अब बीरबल तुरंत खड़े हुए बोले, हुजूर, यह अब जो शराब के नशे में निडर होकर बोल रहा है यह एक शेर की भाषा है। अब बीरबल उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले में उतार दिया। इस बार वो आदमी लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा और जमीन पर लेट गया और हाथ पैर हवा में भांजते हुए मुंह से उल उल जुलूल आवाजें निकालने लगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वो एक गधे की भाषा है, अब आप इसे चाहे कितना भी बोलो या मारो पीटो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर एक बार फिर बीरबल के हाजिर जवाब से बहुत प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए बीरबल को इनाम भी दिया। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ सोच रहे थे कि तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इसका ख्याल आते ही राजा अकबर एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा अकबर का आदेश मिलते ही नाई तुरंत महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काँव काँव करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं कि यह कौवा काँव काँव क्यों कर रहा है, पर नाई जवाब देता है कि यह आपके पूर्वजों का हाल चाल बताने आया है महाराज। अब नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है तुमको। राजा के सवाल पर नाई कहता है कि महाराज, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हाल चाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। अब नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है। राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है कि महाराज, मेरी नजर में एक पंडित जी हैं जो इस काम को अंजाम दे सकते हैं, बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश मिलते ही सभी जो करीबी दरबारी राजा के अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछने लगते हैं। इस पर राजा अकबर उन्हें नाई के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार से बताते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे कर देते हैं। दरबारी कहते हैं कि महाराज, स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हाल चाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल ही हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति हैं। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हाल चाल लेकर वह उनकी परेशानियों को चुटकियों में हल कर आसानी से
धरतीलोक आ सकते हैं। राजा अकबर दरबारियों की सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल राजा अकबर से पंडित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछता है। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पंडित को बुलवाया जाता है। पंडित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पंडित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग लोक जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद अब बीरबल राजा अकबर से 11 दिन का समय मांगते हैं और पंडित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं कि महाराज, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और कितने दिन मुझे वहाँ लग जाएंगे, मैं कितने दिन के बाद लौटूंगा, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले मैं एक बार अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ और कुछ समय बिताना चाहता हूँ। राजा अकबर बीरबल की ये बात को तुरंत मान जाते हैं और बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। अब देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। पंडित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पंडित जी बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पंडित जी घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर और बीरबल को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं कि महाराज, आपके पूर्वज स्वर्ग में काफ़ी खुश हैं और बहुत मज़े में हैं। हाँ, बस उन्हें एक तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए वहाँ उन्हें एक नाई की सख्त ज़रूरत है। अब बीरबल कहते हैं कि ऐसे में हमें अपने पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए महाराज। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। राजा से कहता है कि यह सब कुछ महाराज मैं वजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सकें। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ चुकी थी। यह सब जानने के बाद राजा अकबर ने अपने वजीर और उसके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का कैसे पता चला बीरबल, और तुम घास के ढेर में से आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, महाराज आग के ढेर में जाने की बात सुनकर ही मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी और उस सुरंग के जरिए मैं वहां से बचकर निकल गया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल, यह काम केवल तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान पूरे राज्य में कोई नहीं है। तो दोस्तों, कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी परेशानियों को हम अपने जीवन में आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कहानियों के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।